हम मंदिर में जाके समार है, हमसे चंदा मंदिर में लिया जाता है, तो मंदिर में पूजा क्यों नहीं करने दिया जाता? आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे भाई बहनों, आज फिर एक विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि चारों तरफ एक ही बात हो रही है। अब ये आरोप प्रतिदिन हम पे बढ़ता जा रहा है, अब तो मीडिया वाले भी उठ उठ कर आ रहे हैं और हमारे प्रार्थना सभाओं को रोकते हैं और पूछताछ करते हैं। आए हम इस वीडियो के द्वारा देखें और ये जानें कि इनको क्या अधिकार है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देख के अपनी राय देना। पूछना चाहते हैं कि आपको किसने बताया कि ये लोग लालच पे या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमें इसका जवाब चाहिए आपसे। अच्छा, आप लोग यहाँ करने क्या हैं? हम यहाँ पे प्रभु यीशु का प्रति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धर्म नहीं बदलते बल्कि मन तन बदलते हैं हम लोग। मन तन पहले मन तन सही नहीं था क्या आपका? पहले भी सही था, पर जो जो शैतान है इन लोग हम मानते थे तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब पहले किस धर्म में थी आपका, पहले क्या नाम? मेरा नाम राधिका है और उनके पापा, मेरा नाम राधिका है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मैं बहुजन हूँ, बहुत धर्म की बहुत धर्म में रहती हूँ, अभी परमेश्वर के चरण में रहती हूँ, अपने मन बदल मन बदली हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि चर्च में जाने पे लोग पैसा देते हैं या पैसा के लालच में लोग चर्च में जाते हैं, धर्म बदलते हैं, ये सब बात गलत है। अच्छा, एक कानूनन अपराध है आपको मालूम है? कानून अपराध कोई नहीं है। हम आपसे पूछ सकते हैं, हम मंदिर में जाके समार है, हमसे चंदा मंदिर में लिया जाता है, तो मंदिर में पूजा क्यों नहीं करने दिया जाता? आप बोल रहे तन मन बदलने के लिए ईसाई धर्म को अपना रही है। पहले आप अशुद्ध थी, पहले अशुद्ध मैं भी अशुद्ध, इसमें आप लोग शुद्ध हो गए, इसमें भी शुद्ध है, इसमें भी अशुद्ध है। पहले हिंदू धर्म था, एक दूसरे से विरोध करना था, एक दूसरे से विरोध करवाता था। अभी जाति के नाम पर देखिए कितना लड़ाइया हो रही है, हिंदू में हिंदू हो रहे, मुसलमान में लड़ाई हो रही है, क्रिश्चियन में लोग। यहाँ पर देखिए, इनको जो संविधान लिखे है बाबा साहब, इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में उनको सताया गया है। हाँ बाबा बताइए, आपका पर्चे क्या हुआ? मेरा पर्चे है, मैं चंद्रमा राम, मेरा नाम है। आपको बाबा अम्बेडकर राय के बारे में मालूम है? मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम उतना बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं शांति पर बैठे, आप लोग शांति से खड़े रहिए। बाबा साहब जब हमारे स्कूल में जाने के लिए मौजूद थे, लेकिन उनको स्कूल में भी उनको नहीं बैठने दिया जाता था। बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, आपका उम्र क्या होगा? क्या मेरा उम्र, अब देख लीजिए आप, ये सब युवा अगर बात करेंगे तो सही लगेगा कि बाबा राव अंबेडकर को सताया गया। अगर उन्हें सताया गया होता तो एक सम्मानित पद मिला होता अपने देश में, संविधान लिखने वाला आदमी उन्हें बताया गया होता, किताबों में उनका फोटो के साथ नाम लिखा गया होता। आप लोग ऐसा सोच क्यों रखते हैं? बाहर उन्होंने बैठ करके हर जगह मूर्तियां क्यों लगा होता? देखिए, ये हमारे मैटर नहीं है, हम लोग यहाँ कहाँ? अच्छा भैया, एक मिनट आप आइए, एक मिनट आप आइए। आप कौन है? हमारा नाम अखिलेश कुशवाहा है। ठीक है, आप क्यों ऐसा करवा रहे हैं? आपके घर कहाँ है? सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, जैसे ये लोग यहाँ आए हैं ना, सुनिए गौर से सुनिएगा, आप बीच में कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं बोलता हूँ उसके बाद आप बोलेगा। जैसे ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक परिवार था, ठीक है, एक परिवार था, जो मेरी बहन है वो बहुत बीमार थी, ठीक है। तो एक भाई बोले कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ होगा तो इनका बीमारी चली जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सब कुछ करते थे, जिस पे आस्था था वो करते थे, ठीक है। तो इनको बहुत तकलीफ था, तो वो भाई के द्वारा प्रार्थना दुआ हुआ, उनको शांति मिली, ठीक है। आस्था ही भगवान को जीवित रखता है। तो देखा आपने, एक बहन राधिका जो अपने पिता के साथ खड़ी है, ना कोई गैर मर्द के साथ, ना कोई गैर जात में, और ना ही कहीं ऐसी जगह खड़ी है, और वो खुलेआम शरेआम प्रभु के वचन को बखान कर रही है, परंतु यकीन नहीं किया जा रहा और यकीन करेंगे भी नहीं। ये हम जानते हैं कि ये हमें सताने के लिए आए हैं और सताएंगे, परंतु इन्हें कौन ये अधिकार देता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मेरा एक छोटे भाई के नाते आपसे सवाल भी है, और जो मेरी राय मैं तो रखूंगा ही सही, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और बताएं कि ऐसे मुद्दों पर जब कोई प्रार्थना सभा को रोकता है, किसी को चंगाई मिलती है, किसी को छुटकारा मिलता है, तो इन्हें क्यों तकलीफ होती है? और तकलीफ होती भी है तो ये किस अधिकार से हमारे पास आते हैं और ये सवाल करने का अधिकार रखते हैं? ये कहते हैं कानून के खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे कि कौन सा कानून है जो प्रार्थना करने से हमें रोकता है, एक साथ होने से हमें रोकता है। ये जो करते आ रहे हैं, हमने कभी इन्हें इंटरफेयर नहीं किया, ये 36 करोड़ को मानते हैं या अपने पितरों को पूजते हैं, ये दरगाहों पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं,
इन्हें पूरी आज़ादी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को नहीं मानते। तो यीशु मसीह को मानना पाप है? इनकी नज़रों से अगर हम देखें और समझें तो हमें क्या तकलीफ हो रही है। आप बताएं अपनी राय और मुझे इस विषय पे और वीडियो बनाने हैं ताकि आप लोग बता पाएं और मैं जान पाऊं कि प्रार्थना करना कौन सा गैर कानूनी काम है। क्या हम अवैध नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, किसी के बहन बेटियों को जाकर छेड़ रहे हैं, या किसी को हम मारने कूटने जा रहे हैं या गालियां बक रहे हैं? हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। क्यों रोका जा रहा है मेरे भाई बहनों? इसका जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। सबको जय मसीह। आमीन।